कैसे हैं आप सब लोग एमसीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं एसीएफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम जो चैप्टर आज लेने जा रहे हैं वो है chapter number five, cost, volume, profit analysis. और ये है इस chapter का overview. Break -even analysis, यहां हम इस का हम में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो सबसे पहले तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है फिर हम देखेंगे अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है तो हम उस कंडीशन में किस तरह से ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं फिर अगर कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है उसके पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, उस केस में हम ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं एंड लास्ट में हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे ओके सो दिस इज द ओवर ऑफ द चैप्टर ये चैप्टर इस चैप्टर में हम ये, ये सब करने वाले हैं right? राइट सबसे पहले तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज सी वी पी ब्रेक इवन एनालिसिस को हम सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं सीवीपी एनालिसिस यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ठीक है अब ये होता क्या है वॉट इज ब्रेक इवन एनालिस व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है थोड़ा सा हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है आ, क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम पूरा एफ टू में पढ़ चुके हैं एफ टू में आपका जो चैप्टर था मार्जिनल कॉस्टिंग एब्सॉर्प्शन कास्टिंग उसमें हमने पूरा पढ़ा था बट एक बार हम यहाँ पर वापस पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा हम उसे रिवाइज कर रहे हैं ओके okay. So, हमारे पास दो टेक्निक होती है एक टेक्निक होती है एब्सॉप्शन कॉस्टिंग कॉस्टिंग टेक्निक एंड दूसरी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ओके सो एब्सॉप्शन कॉस्टिंग हम कब करते हैं एट द टाइम ऑफ ईयर एंड ईयर एंड पे जब हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं तब हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं ये एस पर हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है तो सारे वहां पर ये रूल्स फॉलो होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग कब होती है एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग ठीक है डिसीजन मेकिंग मतलब जब मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है उस टाइम पर वो मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं ठीक है अब इस कॉन्सेप्ट को कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों करते हैं इसको समझने के लिए एक छोटी सी हम केस स्टडी ले रहे हैं तो क्या केस स्टडी है देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी ओके एबीसी लिमिटेड उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वन थाउजेंड राइट

ओके uh, डॉलर okay, लेते हैं डॉलर टेन पर यूनिट ठीक है तो 500 यूनिट्स के हिसाब से कितना हो जाएगा उसका 5000 डॉलर 5000 ये हम पूरा डॉलर्स में कर रहे हैं राइट फिक्स कॉस्ट कितनी है उसकी अभी उसकी फिक्स कॉस्ट है डॉलर 3000 तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी एस पर एब्सॉप्शन कॉस्टिंग हमारा एब्सॉप्शन कॉस्टिंग है ठीक है यहां हमारी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एट थाउजेंड डॉलर right? राइट अगर हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालें तो कितनी हो जाएगी उस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट वो कितनी हो जाएगी डॉलर एट थाउजेंड ये फाइव हंड्रेड यूनिट की है तो कितनी हो जाएगी डॉलर सिक्सटीन पर यूनिट एट थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव हंड्रेड ये कितनी हो जाएगी डॉलर सिक्सटीन पर यूनिट और अभी वो कंपनी क्या करती है इस पर सपोज डॉलर uh, टू रुपीज या डॉलर थ्री रुपीज डॉलर फोर रुपीज का मार्जिन रखकर मार्केट में बेच देती है हम मान लेते डॉलर टू का मार्जिन रखकर डॉलर एटीन में वो उसे मार्केट में सेल करती है सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ये क्या है पर यूनिट प्रॉफिट है डॉलर टू ओके सो ये अभी का सिनेरियो इस कंपनी का नाउ अब इस कंपनी के पास क्या है एक ऑफर आया है बहुत दूर से एक क्लाइंट आया है उस client, वो क्लाइंट है है सी ठीक वो क्लाइंट आया है इस कंपनी के पास और उसने कहा कि आई वॉन्ट थ्री हंड्रेड यूनिट कैन यू सप्लाई मी तो इस कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसने कहा कैन सप्लाई हम आपको दे सकते हैं तो उसने कहा कितने में तो इन्होंने कहा कि देखिए हम मार्केट में डॉलर एटीन में देते हैं तो हम आपको भी डॉलर एटीन में दे देंगे कितने में देंगे आपको डॉलर

एट द एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चल रहा है। हमारी राइट ये क्या करें 300 हंड्रेड यूनिट एट द रेट डॉलर थर्टीन पर यूनिट सप्लाई करें या ना करें क्योंकि वो इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहा है अगर आपने उसे डॉलर थर्टीन में सप्लाई नहीं करा तो क्या होगा ये आपका क्लाइंट आपसे चला जाएगा ओके okay? यानी कि आपका ये आ, 300 यूनिट्स नहीं सेल होगी अब आप मुझे बताइए कि आप क्या डिसीजन लेंगे सो so, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे दे सकते हैं हमारी कॉस्ट ही पड़ रही है डॉलर 16 पर यूनिट की तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है तो हम डॉलर 13 में कैसे दे सकते हैं क्योंकि लॉस तो हो जाएगा लेकिन आप ये एब्सॉपशन कॉस्टिंग मेथड देख रहे हैं लेकिन हमने अभी क्या कहा कि अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं अब देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करके मैं अभी आपको बताने वाली हूं कि अगर हम लोग उसको डॉलर थर्टीन पर यूनिट में भी देंगे यानी कि डॉलर सिक्सटीन पर यूनिट से कम रेट में भी देंगे स्टिल हम लोगों को प्रॉफिट होगा कैसे प्रॉफिट होगा देखिए अगर मैं इसको डॉलर थर्टीन में देती हूँ तो मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी डॉलर थर्टीन इंटू थ्री हाउ मच डॉलर 3,900 uh, ये हमारे पास रेवेन्यू आएगा दिस विल बी द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या बोलेंगे हम इसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ओके अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखो अगर आप इसको ये देते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी uh, लगेगी कितनी कॉस्ट लगेगी हमारी जो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो लगेगी सिर्फ डॉलर टेन पर यूनिट क्योंकि देखिए फिक्स कॉस्ट ये जो थ्री थाउजेंड है ना ये तो आपकी तब भी लगने वाली है जब आप उन्हें ये प्रोडक्ट देते हैं और अगर आप ये 300 हंड्रेड यूनिट उन्हें नहीं देंगे तब भी आपकी थ्री थाउजेंड यूनिट लगेगी ये फिक्स कॉस्ट आपकी तब भी लगेगी चाहे आप उन्हें ये देते हैं या नहीं देते हैं ओके okay? तो जो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो सिर्फ डॉलर टेन होगी फिक्स कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप उन्हें ये थ्री यूनिट्स प्रोवाइड कराते हैं क्यों क्योंकि हमारी ओवरऑल कैपेसिटी है वन यूनिट्स की और अभी हम कितनी पे वर्क कर रहे हैं हम कर रहे हैं 500 यूनिट्स की कैपेसिटी पर ही वर्क कर रहे हैं तो हमारा क्या एजम्पन है कि अपटो वन थाउजेंड तक तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होगी फिक्सड ही रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा दिस इज दू जब तक आपका वन थाउजेंड यूनिट्स तक तो आपकी यही कॉस्ट रहने वाली होती है यही हमारी फिक्स कॉस्ट होती है कि एक लेवल तक वो फिक्स ही रहने वाली है चाहे आप कितनी भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करें तो यहाँ पर हमारा जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी थ्री तो अगर हम उसका ऑफर एक्सेप्ट करते तो अभी भी हमें डॉलर नाइन हंड्रेड का बेनिफिट होता है प्रॉफिट होता है सो so यस yes, हम इसका ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे सो so ये टेक्निक क्या कहलाती है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इस टेक्निक में क्या होता है हमारी जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है इसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है इेलिवेंट कॉस्ट होती है जिसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं नाउ ये तो थी मार्जिनल कॉस्टिंग का concept. हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहां पर क्या क्या ब्रेक इवन एनालिसिस होता है तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट है ये जो फ्यूचर प्रॉफिट आने वाला है उस फ्यूचर प्रॉफिट पर किस किस चीज का इम्पैक्ट आता है तो देखिए हमारी जो यहां पर जो हमारी कॉस्ट आती है मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो क्या इक्वेशन बनती है देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है सेलिंग प्राइस टोटल सेल्स रेवेन्यू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ये जो आता है ये हमारा क्या कहलाता है कॉन्ट्रीब्यूशन तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स कॉस्ट नहीं देखते हैं इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है प्रॉफिट आता है तो मार्जिनल क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि फिक्स क्या होती तो ये कॉस्ट क्या कहलाती है इेलिवेंट कहलाती है जो रेलिवेंट होती है वो कौन सी होती है जिस कॉस्ट पर इंपैक्ट आ रहा है वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है तो डिसीजन लेने से जो इंपैक्ट आएगा वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर आएगा तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाए कॉन्ट्रीब्यूशन आता है हम लोग सिर्फ इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं यहां पर क्योंकि यही हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए यही रेलिवेंट होता है कॉस्ट कॉस्ट इज में से माइनस करते हैं तो क्या आता है प्रॉफिट अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम इलेब्रेट करें तो क्या होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन टू यूनिट्स सेल्स का यही हमारा फॉर्मूला होता है वही वेरिएबल कॉस्ट देखो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टू यूनिट्स ओके तो ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या कहलाता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्योंकि देखिए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इन टू यूनिट्स करेंगे तो ये क्या जाएगा आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा इसमें से जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? आ जाएगा प्रॉफिट okay? आ जाएगा ओके फॉर एग्जाम्पल मेरी सेलिंग प्राइस है टेन और यूनिट्स है हम इसको ले लेते हैं सिक्सटीन ले, ले लेते हैं सेलिंग प्राइस है यूनिट्स इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी विच 10, तो कितना हो जाएगा हमारा ये कितना हो गया टोटल अगर हम टोटल करें तो ये हो गया सिक्सटीन थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड कितना आ जाएगा ये सिक्स थाउजेंड क्या सिक्स थाउजेंड हो गया सिक्सटीन माइनस टेन दैट इज सिक्स इन वन थाउजेंड ये सिक्स क्या हो गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करी विच इज थ्री थाउजेंड तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारा थ्री थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया ओके okay? सो so, ये इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन नाउ वॉट इज ब्रेक इवन एनालिसिस सी वी पी पहले तो देखते हैं ब्रेक इवन क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि जब ये जो प्रॉफिट है ये जीरो हो जाए मतलब ना तो नेगेटिव यहां तो पॉजिटिव में आ रहा है कई बार आपका लॉस होगा तो वो क्या होगा नेगेटिव में आएगा तो ना नो प्रॉफिट नो लॉस को हम क्या कहते है? हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं एंड वॉट इज ब्रेक इवन एनालिसिस या वॉट इज सी वी पी एनालिस CVP मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस एनालिसिस और CVP एनालिसिस CVP मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस तो क्या होता है सबसे पहले अभी हमने देखा कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग कब यूज करते हैं क्योंकि आगे पूरा हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा हमारा चैप्टर है और आगे के चैप्टर्स भी पूरे इन्हीं कॉन्सेप्ट है ये हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पर कब यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पर डिसीजन मेकिंग करते वक्त जो इेलीवेंट कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है फिक्स कॉस्ट चाहे आप डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे वो सेम रहने वाली है इसलिए वो फिक्स कॉस्ट क्या कहलाती है इेलिवेंट कहलाती है जो डिसीजन लेने से जिन जिन चीजों पर इंपैक्ट आता है वो कौन सी चीज होगी देखिए इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस 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 क्या होता है इस ब्रेक इवन यानी कि सीवीपी में हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर चेंज आता है तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा या कंट्रीब्यूशन पर क्या इंपैक्ट आएगा अगर यूनिट्स में चेंज आता है तो इन पर क्या इंपैक्ट आएगा वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा तो इन पर क्या इंपैक्ट आएगा और इसके बाद फिक्स कॉस्ट में अगर चेंज आएगा तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा तो देखिए प्रॉफिट में इंपैक्ट किस किस वजह से आएगा अगर आपकी यूनिट्स चेंज हो जाएगी ओके यूनिट्स 1000 की जगह अगर आपकी 2000 हो गई तो, तो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2000 थाउजेंड इंटू सिक्स ट्वेल्व थाउजेंड माइनस थ्री प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा तो यूनिट्स में अगर आएगा तो आपका प्रॉफिट इंपैक्ट आएगा अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज आएगा तो आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आएगा तो भी आपका आएगा और फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा फिक्स कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट पर इन इन चीजों का इंपैक्ट आता है तो जब इन चीजों के इंपैक्ट को हम स्टडी करते हैं तो ये हमारा कहलाता है ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस सो वॉट इज ब्रेक इवन और सीवीपी एनालिसिस इट इज कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर प्रॉफिट हम फ्यूचर uh, प्रॉफिट पर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं किसके इफेक्ट्स चेंजेस इन फिक्स वेरिएबल कॉस्ट सेल्स प्राइस एंड क्वांटिटी एंड मिक्स देखिए जब हम सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तब तो एक ही प्रोडक्ट में है तब तो मिक्स की बात नहीं लेकिन जब यही हमारे दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई इसकी सेलिंग प्राइस अलग होगी इसकी यूनिट्स अलग होगी इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग होगी इसकी यूनिट्स uh, टोटल अलग होंगी तो ये जो मिक्स है जब इन मिक्स में चेंज आएगा तो ओवरऑल प्रॉफिट पर इसका क्या इंपैक्ट आता है इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते है? हैं ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस बोलते हैं सो व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स प्राइस एंड क्वांटिटी एंड मिक्स तो इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं इनकी वजह से फ्यूचर प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ व्हाट इफ व्हाट इफ एनालिसिस मींस व्हाट इफ अगर फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई तो फ्यूचर प्रॉफिट क्या रहेगा व्हाट इफ अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई या वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो गई व्हाट इफ इफ सेल्स प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुई या क्वांटिटी में चेंज आया तो फ्यूचर प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा अब बिजनेस बजट बेस्ड अपॉन वेरियस अबाउट रेवेन्यूज कॉस्ट प्रोडक्ट मिक्स एंड ओवरऑल वॉल्यूम्स सीबीपी एनालिसिस कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑन द बजटेड प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन दीज वेरियस फैक्टर्स स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं पूरा बजट तैयार कर लेते हैं फिर सीबीपी एनालिसिस क्या देखता है कि क्या होगा अगर हमारी यूनिट्स

सीवीपी एनालिसिस जिसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं ओके okay? सो so, ये तो था कि जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं नाउ अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं जो इस चैप्टर में हम आगे करने वाले हैं तो अभी हमने देखा इस एग्जाम्पल से कि यहां पर हम लोग जब मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होती है इरेलीवेंट होती है चाहे आप डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे हमें डिसीजन लेने में क्या है फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी तो डिसीजन का इम्पैक्ट फिक्स कॉस्ट की वजह से डिसीजन पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है तो जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं तो देखिए यहाँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन होती है वो कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया ये देखिए दिस इज एस माइनस वी इक्वल टू सी माइनस एफ इक्वल टू सो so, ये हमारी सीवीपी एनालिसिस इक्वेशन है तो सी इक्वल टू क्या हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले हम कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख रहे हैं ओके तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ हैंट्रीब्यूशन सी इज इक्वल टू एस माइनस वी इसका एक और फॉर्मूला होता है देखिए या तो आप एस माइनस वी करेंगे तो सी आएगा और सी में से जब एफ माइनस करा तो पी आया तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सी में से जब आपने एफ माइनस करा तो आपका आया पी इसी से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और बन जाता है वो क्या होता है पी प्लस एफ यहां से हम एफ को इस साइड में ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या मेरा फॉर्मूला बन गया कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट सो मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला हो गए एस माइनस पी या फिर पी प्लस एफ और एफ प्लस पी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सो मेरे ये दो फॉर्मूले हो गए प्रॉफिट right. और सेल्स का रेशियो देखते, है? देखते हैं लेकिन यहां डिसीजन लेने के लिए हम क्या देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो जो हम फॉर्मूला जो हम प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं वो कौन सा निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशियो निकालते हैं जिसको हम कहते हैं पी वी रेशो पी वी यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सो वॉट इज द फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अपॉन सेल्स लेकिन यहां हमारा जो प्रॉफिट हम कंसिडर करते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड या इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन एस इंटू हंड्रेड इसी से आपका एक फॉर्मूला और बन जाता है यहां C इक्वल टू क्या है आपका S माइनस वी तो S माइनस वी अपॉन एस इंटू हंड्रेड एक और फॉर्मूला एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू हंड्रेड सो ये हमारे फॉर्मूले हो गए हैं पीवी रेशो का पीवी रेशो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो सो so पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला हो गया सी अपॉन एस इंटू हंड्रेड क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड और मैंने आपको बताया हम कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट नहीं देखकर हम क्या देखते हैं कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड या इसका कंट्रीब्यूशन की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ एस माइनस वी जो हमारी इस इक्वेशन से आया है एस माइनस वी इक्वल टू सी ठीक है या फिर एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू हंड्रेड एक और फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट और

टू टाइप्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, टू टाइप्स के कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं और दो तरह की आपको सेल्स दे रखी है तब हम पीवी रेशियो के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसको हमें शॉर्ट में ऐसे हम आगे लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इन टू हंड्रेड सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ पी वी रेशो किसके फॉर्मुले हो गए पीवी रेशियो के फॉर्मूले हो गए नाउ आगे हम कुछ और पॉइंट्स देखने वाले हैं सबसे पहले तो हम दो चीज देखने वाले हैं बीईपी सेल्स सो बीपी सेल्स क्या होती है वह सेल्स जहां कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा नो प्रॉफिट नो लॉस ओके तो वह एरिया आ गया जैसे हमने प्रोडक्शन शुरू किया इस पॉइंट पर पहुंच गए हम वो क्या कहलाता है हमारा बीपी पॉइंट यहां पर हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा इससे अबाउ जो सेल्स होगी वो हमारी क्या कहलाती है दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या कहलाती है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सो so, जो हमारी टोटल सेल्स होती है ना टोटल सेल्स वो दो तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती है एक होती है बीईपी सेल्स मतलब जब हमारी जैसे टोटल सेल्स हो रही है वन लैख अब इन वन लैख में से सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर मेरा मतलब मेरा सारा लॉस कवर हो गया मेरा प्रॉफिट जीरो आ रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस की आ रही है यानी यानी कि कि ये मेरा हो हो गया तो इसके बाद की जो मेरी मेरी सेल्स सेल्स रही वो मेरी क्या कराएगी कराएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां तक मैंने फिक्स कॉस्ट कवर कर ली जैसे हमने फिक्स कॉस्ट कवर कर लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है देखिए इधर यहां पर हमारा क्या है जब मेरा प्रॉफिट जीरो होगा तो प्रॉफिट जीरो होने का मतलब क्या है सी इज इक्वल टू एफ प्लस पी मैंने बात की नो प्रॉफिट नो लॉस तो प्रॉफिट जीरो है तो यहां पर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट तो जैसे ही हम कॉन्ट्रीब्यूशन यानी हमारा जो इतना हम कर लेते हैं, कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट वो सिचुएशन क्या कहलाती है नो प्रॉफिट नो लॉस की यानी ब्रेक इवन पॉइंट ओके और इसके अबाव की जो सेल्स होगी वो क्या कहलाएगी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहलाएगी क्या कहलाएगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स तो टोटल सेल्स हमारी दो तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती है फर्स्ट इज बीपी सेल्स यानी कि बीपी सेल्स जहां तक हमने सारा लॉस कवर करके हम एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच गए हैं यानी कि हाँ हमारे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं इसके अबव जो सेल्स होगी वो हमारी क्या कहलाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स राइट नाउ अब हम कुछ और फॉर्मूले देखने वाले हैं देखिए यहां पर हमारा क्या फार्मूला है यहां पर देखिए मेरा जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड uh, सेल्स का तो देखिए ये मेरा पीवी रेशियो का फॉर्मूला है ठीक है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो इसे हम यहां ले लेते हैं राइट तो मेरे पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या आया था अभी देखिए एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू हंड्रेड या फिर सी अपॉन एस इंटू हंड्रेड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो नाउ अगर मुझे ना पी वी रेशो पता है मुझे कॉस्ट पता है, और आपसे किसी ने कहा कि मुझे आ, का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ मेरी को सेल्स कितनी करनी पड़ेगी क्या क्या फिगर्स पता है पी वी रेशो पता है एफ पता है पी पता है और आपको एस फाइंड आउट करना है तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ प्लस पी अपॉन पी वी रेशो राइट right? तो मेरा पीवी ये सेल्स अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे फिक्स कॉस्ट पता है मुझे प्रॉफिट पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट करना, रेशियो मुझे पता है, और मुझे फिर सेल्स फाइंड आउट करनी है तो इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे डिजायर्ड सेल्स या हम इसको बोलेंगे रिक्वायर्ड सेल्स कि जब आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है फिक्स कॉस्ट पता है प्रॉफिट पता है पीवी रेशो पता है तो हम सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एस इजल पीवी रेशो या अगर हम इससे निकालें तो क्या हमारा फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स का एस इज इकल टू सी अपॉन पी वी रेशो इन टू हंड्रेड सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स आइए यहां पर तो हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड सेल्स का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहां पर देखिए F प्लस पी अपन पीवी रेशियो इंटू हंड्रेड एफ प्लस पी अपॉन पी वी रेशो इन टू हंड्रेड तो ये मेरा किसका फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स यानी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड सेल्स का जब मुझे सेल्स फाइंड आउट करनी है तो सेल्स फाइंड आउट करने का मेरा फॉर्मूला क्या होगा इसको हम ये कर लेते हैं राइट तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिजायर्ड सेल्स का एफ प्लस बी अपॉन पी वी रेशो इंटू हंड्रेड ओके अब देखिए बीपी सेल्स पर क्या होता है बीपी सेल्स पर मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है एक और फॉर्मूला क्या है हमारा जो अभी हमने यहां लिखा सी अपॉन पी वी रेशो सी अपॉन पी वी रेशो इन टू हंड्रेड और सी की जगह आप एस माइनस वी भी लिख सकते हैं इट्स अपना फॉर्मूला हो गया डिजायर्ड सेल्स का जब आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है बाकी के फिगर्स की है अब देखिए बीपी सेल्स पर क्या होता है मेरा प्रॉफिट क्या होता है पी इजिकल टू क्या होता है जीरो होता है क्योंकि बीपी सेल्स क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि यहां पर पी क्या है आपका जीरो तो बीपी सेल्स पर मेरी डिजायर्ड बीपी सेल्स क्या हो जाएगी डिजायर्ड बीईपी सेल्स या रिक्वायर्ड बीपी सेल्स उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ अपॉन पीवी रेशियो इन टू हंड्रेड अपॉन रेशियो क्योंकि यहां पर पी क्या हो जाता है हियर इज इज इक्वल इक्वल टू टू यानी का मतलब क्या हो गया यहां पर सी इज इक्वल टू क्या है एफ प्लस पी यहाँ पर सी इज इक्वल टू क्या होगा ओनली एफ क्योंकि यहां पर प्रॉफिट क्या हो जाता है जीरो है ब्रेक इवन पॉइंट पर और यहां पर हमारा सी इज इक्वल टू क्या होता है पी क्यों क्योंकि सारी फिक्स कॉस्ट हम ब्रेक इवन सेल्स तक कवर कर चुके होते हैं इसके बाद कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती इसके बाद हमारा प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है प्रॉफिट के इक्वल हो जाता है तो यहां पर जब हमें डिजायर्ड एमओ सेल्स निकालनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास पी अपॉन पीवी रेशियो इनटू टू हंड्रेड क्या फॉर्मूला बनेगा इसका अपॉन पीवी रेशियो इंटू हंड्रेड देखिए बीपी सेल्स प्लस इंटू हंड्रेड और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो पीवी रेशो आपका कॉमन आ जाएगा मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एल्सियम लेने पर और एफ प्लस पी आ जाएगा तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया आपका डिजायर्ड सेल्स होती है डिजायर टोटल सेल्स

टोटल सेल्स डिजायर्ड बीपी सेल्स डिजायर्ड एमओएस सेल्स ये किस में आएंगे आपके वैल्यू में आएंगे यानी कि डॉलर में आएंगी या फिर रुपीज जो भी करेंसी आप यूज करते हैं उसमें आपके ये फिगर्स आएंगे नाउ कई बार हमें डिजायर्ड सेल्स में निकालनी होती है इन यूनिट्स निकालनी होती है यूनिट्स में निकालनी होती है तो यूनिट्स में जब हमें निकालनी है तो, तो हम पी वी रेशन ही लेकर क्या लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं तो यहां हमारा अगर हमें यही सेल्स यूनिट्स में निकालनी तो रहेगा तो वही अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन गा? पर यूनिट कैसे आया देखिए यहां पर यहां देखिए ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना क्या फॉर्मूला है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स राइट तो मुझे अगर यूनिट निकालने तो मैं कैसे निकालूंगे टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करूंगी क्या फॉर्मूला जाएगा यूनिट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सो यही से हमने ये फॉर्मूला बनाया है सो so, ये एफ प्लस पी क्या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी क्या आ ये यूनिट्स आ जाएंगी तो so, ये क्या हो गए डिजायर टोटल की यूनिट्स अगर मुझे बीपी इन यूनिट्स निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा यहां पर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है फिक्स कॉस्ट के इक्वल है तो मेरा formula क्या बनेगा एफ अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सिमिलरली अगर मुझे एमओ एस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स फाइंड आउट करनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा पी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सो ये कुछ फॉर्मूलेज हुए हैं सो so, क्या फॉर्मूले देखे अभी तक हमने एक बार हम इन फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं ओके सो so, हमने सबसे पहले देखा कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सो so, क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये हमने कॉन्ट्रीब्यूशन की जो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से निकाला दिस इज द मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन एस माइनस वी इक्वल टू सी सी में से जब आप एफ माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है पी सो कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला हो गया एस माइनस वी या फिर एफ प्लस ओके okay, सो so c इज इकल टू एस माइनस वी और c इज इकल टू एफ प्लस बी ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हुआ है राइट right? इसके बाद हमने देखा बिकॉज एब्सॉर्बन कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रेशो देखते हैं लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम किसके बीच का रेशो देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का रेशो देखते हैं सो दिस इज कॉल्ड पीवी रेशो सो so पीवी रेशो क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड जिसे हमने शॉर्ट में सी अपॉन एस इंटू हंड्रेड लिखा अब देखिए यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन की आपके क्या है दो डेफिनेशन है कॉन्ट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला है एस माइनस वी तो एस माइनस वी अपॉन एस इंटू हंड्रेड या फिर एफ प्लस बी अपॉन एस इंटू हंड्रेड सो दीज आर द दमूला ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशो पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ये हम इसे और कर देते हैं डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फर्म no no तो अपने सारे लॉसेस कवर कर लेती है और अभी उसका लॉस और प्रॉफिट दोनों जीरो है अभी उसने प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया देखिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई नया बिजनेस या कुछ भी बिजनेस करते हैं कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें अपनी फिक्स कॉस्ट इनकर करनी होती है ओके okay? और आ, हमारी कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लगती है तो स्टार्टिंग में जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर हमारा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा वो क्या कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट कहलाता है ओके सो ब्रेक इवन यानी नो नो प्रॉफिट लॉस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होती है ब्रेक इवन सेल्स की अबाउ जितनी सेल्स हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहलाती है ओके टोटल सेल्स किसकी इक्वल होती है बी पी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन दोनों के टोटल की इक्वल होती है टोटल सेल्स अब अगर हमें टोटल सेल्स निकालनी है डिजायर्ड सेल्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशो इंटू हंड्रेड यानी कि ये हमारी किससे बनी है इसी फॉर्मूले से बना है पीवी रेशियो इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू हंड्रेड जब मैं एस को यहां ले गई पीवी रेशियो को नीचे ले आई तो मेरा फॉर्मुला क्या बन गया एस इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पी रेशियो तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हुआ डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हुआ एफ प्लस पी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशन टू हंड्रेड इक्वल टू एफ प्लस प्रॉफिट ये टोटल सेल्स पर है अगर मुझे यही डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स निकालनी तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा एफ प्लस पी ऐसे कैसे रहेगा यूनिट्स के लिए हम पीवी ने लेकर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं नाउ ये किसके इक्वल है बीएपी सेल्स और एमओएस स पर प्रॉफिट इक्वल टू जीरो होता है यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है तो मेरा यही किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा यानी अपॉन और इन यूनिट्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे एफ इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नाउ जब मुझे डिजायर्ड एमओएस सेल्स निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा यहां पर फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाती है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम बीपी तक का कवर कर लेते हैं इसके बाद हमारा जो होता है वो प्रॉफिट होता है तो P अपॉन पी वी रेशियो इन टू हंड्रेड ये मेरा डिजायर्ड एमओ एस सेल्स का फॉर्मूला होगा क्योंकि यहां पर F जीरो हो जाता है एमओएस पर सी इज इकल टू पी सो P अपॉन पी वी रेशो इन टू हंड्रेड और एमओएस इन यूनिट्स निकालनी है तो P इज इकल टू एमओ एस इन यूनिट्स यानी P अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ये मेरा एमओएस इन यूनिट्स का फॉर्मूला हो गया तो ये हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे हैं नाउ नेक्स्ट अभी हमने देखा टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होता है हमारा बीईपी सेल्स प्लस एमओएस सेल्स नाउ, अगर मेरी टोटल सेल्स 100 परसेंट है बीईपी सेल्स मेरी अगर 60 परसेंट है तो एमओएस सेल्स कितनी होगी मेरी 40 परसेंट क्योंकि इन दोनों का टोटल किसके इक्वल है टोटल सेल्स के इक्वल है तो मुझे अगर बीपी सेल्स का परसेंटेज निकालना है ये कि ये 60 परसेंट कैसे आया तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इन टू हंट्रेट. ये किसका फॉर्मूला होगा बीपी सेल्स इन परसेंटेज निकालने का अगर मुझे एमओएस सेल्स का परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा एमओएस सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू हंड्रेड सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एमओ सेल्स ये मेरा सेल्स का फॉर्मूला हो गया बीपी सेल्स एंड एमओ सेल्स ओके इन दोनों का फॉर्मूला हो गया बीपी सेल्स परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इंटू हंड्रेड ये परसेंटेज ऑफ बीपी सेल्स ऑफ टोटल सेल्स का हो गया एमओ सेल्स इन परसेंटेज का फॉर्मूला होगा एमओ सेल्स अपॉन टोटल सेल्स हंड्रेड Now, एक और चीज है देखिए एस इजिकल टू क्या होता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इजिकल टू एस माइनस वी ये भी हमने देखा यानी एस इजिकल टू क्या हो गया वी प्लस सी यानी कि सेल्स अगर मेरी हंड्रेड परसेंट है वेरिएबल कॉस्ट मेरी सिक्सटी परसेंट है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन यानी पी वी रेशो वो कितना होगा फोर्टी परसेंट होगा ओके, okay, so मुझे अगर अभी हमने कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशियो तो देख ही लिया फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन एस इन टू हंड्रेड ये तो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है ठीके? ये रहा फॉर्मूला अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड राइट तो ये मेरा फॉर्मूला होगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो फाइंड आउट करने का ओके, okay. नाउ अभी हमने देखा बीपी सेल्स का हमारा फॉर्मूला बीपी सेल्स का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था हमारा बीपी सेल्स परसेंट बीपी सेल्स परसेंटेज अगर हमें निकालना है, बीपी परसेंटेज निकालना तो हमारा फॉर्मूला क्या था बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इन टू हंड्रेड जिसे हम बजेटेड सेल्स भी बोलते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला था और एमओएस का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था एमओएस सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू हंड्रेड इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बजटेड uh, सेल्स यानी टोटल सेल्स टोटल सेल्स यानी बजटेड सेल्स या इसको टोटल सेल्स भी लिख सकते हैं हम माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन टोटल सेल्स और बजटेड सेल्स टू हंड्रेड तो ये एमओएस का परसेंटेज हो गया ओके okay? क्योंकि इक्वल टू क्या हो गया आपका टोटल सेल्स यानी कि बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ओके तो ये हमने अभी तक कुछ फॉर्मुले देखे हैं ये आपके आगे के पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूले काम आने वाले राइट right? तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे क्लियर हो गए होंगे आइए इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट एटलीस्ट देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं नाउ फाइंडिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज सिंपल इन द फॉलोइंग ईच यूनिट सेल्स फॉर डॉलर टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूट डॉलर वन सिक्सटी टू आर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट तो देखिए दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू हंड्रेड डॉलर 40 तो पर यूनिट कितना हो गया डॉलर सिक्स लैख अब आपको प्रॉफिट बताना है ओके okay? प्रॉफिट कितना हो रहा है अब प्रॉफिट पहले तो आपको क्या चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन ब्रेक इवन पर प्रॉफिट हमारा क्या होगा जीरो के इक्वल होगा कितना होगा जीरो होगा वी नीड टू कवर आवर कॉस्ट हमें ब्रेक इवन पर आने के लिए क्या करना होगा हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर करनी होगी यानी कि यहां पर प्रॉफिट हमारा क्या हो जाना चाहिए जीरो होना चाहिए तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे देखिए अभी हमने देखा था फॉर्मूला बीईपी का हमने जो फॉर्मूला देखा हम पहले उसको देखते हैं यहां देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का जब यूनिट्स में हमें निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था बीपी इन यूनिट्स एफ अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो देखिए यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की वन है आपको फिक्स कॉस्ट की क्या फॉर्मूला रहेगा एफ अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हियर एफ इज डॉलर सिक्स लैख कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज डॉलर वन सिक्सटी सो यूनिट्स कितनी आएंगी देखिए सिक्स लैख डिवाइड बाय वन सिक्सटी ये यूनिट्स आ जाएंगी थ्री सेवन फाइव जीरो यूनिट्स अब देखिए मैं अगर इसको डॉलर वन सिक्स को डॉलर वन सिक्सटी इंटू थ्री सेवन फाइव जीरो करते हैं ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज डॉलर सिक्स लैख मल्टीप्लाई करेंगे यहां से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस करी डॉलर सिक्स लैख तो मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितना आ रहा है जीरो आ रहा है तो ये मेरा क्या हो गया ब्रेक ही वन पॉइंट हो गया ओके सो डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यू यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज द फॉर्मूला So, आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे एक बार हम ये फॉर्मूले वापस देख लेते हैं आज हम सिर्फ ये फॉर्मूले करे हैं कल हम इस पर क्वेश्चन लेंगे ओके सो वंस अगेन एब्सॉब्शन कॉस्टिंग हम कब करते हैं एट द टाइम ऑफ एंड जब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग हम कब करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग नाउ इसको मैंने एक स्टडी से समझाया था लेकिन इसका क्रक्स क्या है कि जब हमें लेना होता है तब हमारी फिक्स कॉस्ट इंट कॉस्ट कहलाती है क्योंकि वो आ, उसका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर नहीं होता है ओके तो जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है वो होती है ओनली वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं जब हम टोटल रेवेन्यू से तो आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर से फॉर्मूला हुआ सी अपॉन एस इन टू हंड्रेड फर्स्ट फार्मूला सेकेंड फार्मूला एस माइनस वी अपॉन एस इन टू हंड्रेड थर्ड फॉर्मूला एफ प्लस बी अपॉन एस इन टू हंड्रेड या एक और फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इन टू हंड्रेड बी पी सेल्स इज इकल टू नो प्रस और इसके अबाउ जो सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स टोटल सेल्स हमारी इन दोनों सेल्स के टोटल से मिलकर बनी होती है टोटल सेल्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन एफ प्लस पी के इक्वल होता है कॉस्ट पर, पर, पर यानी कि फिक्स कॉस्ट यहां पर जीरो होती है यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट होता है डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी अपन इंटू हंड्रेड अगर मुझे डिजायर बीपी निकालनी है एफ अपॉन पीबी रेशियो डिजायर एमओ एस पी अपॉन पीबी रेशो यही अगर मुझे यूनिट्स में निकालना है तो पीवी रेशियो की जगह हम क्या लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ओके टोटल सेल्स का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है बीपी सेल्स का परसेंटेज में फॉर्मूला रहेगा अगर हमें बीपी परसेंटेज निकालना है तो बीपी अपॉन टोटल सेल्स इंटू हंड्रेड एमओएस का परसेंटेज रहेगा एमओएस सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इन टू हंड्रेड ओके सो so, ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमने आज देखे हैं आज हम इतना ही करेंगे कल वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस लेंगे सो so, आज इतना ही करेंगे थैंक यू